इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग V है। यदि उसी धातु के दुगनी त्रिज्या के तार में धारा 2I हो तब इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग होगा, तब इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग होगा। इस V को हटाओ, ये कंफ्यूज कर रहे, तो अपवाह वेग होगा, तो अपवाह वेग निकालना है। ठीक, तो अब देखो I इक्वल टू क्या होता है, NeAVD, ठीक ना। तो अपवाह वेग इक्वल टू हो जाएगा I अपॉन NeA। ठीक, अब देखो अभी इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, क्षेत्रफल कितना होगा, A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। मैं पहले त्रिज्या को ना R मान लेता हूँ, ठीक ना। पहली जो त्रिज्या है वो R है, तो और दूसरी वाली त्रिज्या कितनी है, 2R, ठीक ना। R इनिशियल R और R फाइनल 2R, तो एरिया कितनी आ गई, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मतलब पहला जो अपवाह वेग है वो कितना है, V इक्वल टू आई अपॉन NE पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब देखो इसके बाद त्रिज्या को कर दी गई है दुगनी, तो मतलब फाइनल एरिया इज पाई इंटू 2R का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब फाइनल जो क्षेत्रफल जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो कितना है, 4A, मतलब पहले वाले का 4 गुना हो गया एरिया। ठीक, अब देखो अब अपवाह वेग बी डैश इक्वल टू हो गया, धारा कितनी हो गई, 2I NA, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब वी डैश इक्वल टू, इससे कैंसिल 2 बचा, तो ये हो गया 1/2 को कॉमन ले लो, बाकी हो गया I बाय NE पाई आर स्क्वायर। तो ये N I अपॉन NE पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, V के, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, तो V डैश इक्वल टू क्या आ गया, V/2। तो ये हो गया अपवाह वेग जब त्रिज्या को दुगनी की गई और धारा को 2I कर दिया गया। क्लियर,